मेरे लिए आज ये बहुत खुशी का दिन है कि जिस शख्स को, काबिल इंसान को मैं बहुत गुजारिश करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा कि आप मुंबई आइए, मुंबई आइए, और आज मैं डॉक्टर भट्टी की क्लिनिक पर बैठा हूँ। मैंने गलत कहा, ये क्लिनिक नहीं, दरअसल ये एक ऐसी जगह है कि जहां आकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और मैं पहली बार जब गया था डॉक्टर भट्टी से मिलने के लिए, लोगों की समझ में नहीं आता कि हेयर केयर कितनी जबरदस्त चीज है और कितनी इम्पोर्टेंट है। ये आपको एक अजीब तरह की कॉन्फिडेंस देती है, एक आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। आपको अपना चेहरा जब शीशे में देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है। अभी तक आप जो है इस दौर के अंदर आपको लोग देखते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं। तो मैं सच कहूँगा कि ये डॉक्टर सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते, ये हेयर केयर करते हैं ताकि आप खूबसूरत बने रहें। और यही वजह मैं चाहता था कि आप आइए मुंबई में, या बहुत चाहने वाले आपको मिलेंगे। धीरे धीरे मेरा अभी तक तो चल रहा है, थोड़ा बहुत ठीक ही है, लेकिन जब गड़बड़ ज्यादा हुआ तो फिर डॉक्टर भट्टी के यहाँ आने वाला हूँ। तो मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। मुझसे कहते हैं कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए आपसे मैं दोस्ती रखे हुआ कि मेरे बाल अच्छे हैं, और ये दोस्त ऐसा है कि दिल से लोगों के साथ चलता है और लोगों को कभी भी आई एम सो हैप्पी कि एक होता है कि आदमी सिर्फ इसलिए काम करता है कि उसको पैसा चाहिए, एक ही होता है कि मैं इसलिए काम करता हूँ कि लोग अच्छे दिखें। तो डॉक्टर भट्टी उनमें से हैं जो चाहते हैं कि जो इनके पास में आए वो अच्छा दिखे। कि ये जो जगह जो इन्होंने यहाँ पर किया है ये इतनी कामयाब हो, और हम जैसे दोस्त यार इनके पास हमेशा आते रहे, कभी लोगों को मिलवाते रहें, कभी लोगों के बारे में कहते रहें, और यहाँ पर आएंगे लोग तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सर।